रादौर में इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत पर कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला की जीत की खुशी में रादौर में पूर्व विधायक व इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में जीतने के लिए गठबंधन सरकार ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जनता ने गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की जनता ने इनेलो को जिताकर यह दिखा दिया है कि उनके हित सिर्फ इनेलो में ही सुरक्षित हैं। राणा ने कहा कि इस उपचुनाव से एक बात साफ हो गया कि प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का मुकाबला सिर्फ इनेलो से ही होगा, कांग्रेस का अब प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। हमने चुनाव के अंदर देखा भी वहाँ उपचुनाव जो था ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पैसे वाले कैंडिडेट को एंगेज किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना कैंडिडेट तो था नहीं, इसलिए पैसे के बल पर कुछ वोट ली, लेकिन हारना जेजेपी का और भारतीय जनता पार्टी का एक बात दर्शाता है कि आने वाले समय में वहाँ पर ना भारतीय जनता पार्टी का दार रहेगा ना जेजेपी का, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही वहाँ पर जीत के आएगा सरसा के अंदर। और इस चुनाव से पूरे प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को ताकत मिली। और एक बात इलाहाबाद के चुनाव से साबित हो गई, अभी आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही उसको हराएगा और अपनी सरकार बनाएगा।